बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस पार्टी के रवैये को निराशाजनक बताया है, लेकिन नड्डा साहब, जिस तरह से पूरे देश के अंदर खौफ का माहौल है, मौत का मंजर है, आपकी नीतियां भी कोई आशाजनक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अहंकार ने और उनकी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज ने पूरे देश को दांव पर लगा करके रखा है। आपका नारा बदलने का समय आ गया है, अब की बार कतार सरकार, क्योंकि हॉस्पिटल के बेड से लेकर के श्मशान भूमि तक कतार ही कतार लगी हुई है। टोकन पर शव मिल रहे हैं शवाग्रह से, और कल हमने देखा कि बिहार के बक्सर में जिस तरह से गंगा नदी के अंदर 50 से ज्यादा लाशें बह करके आ रही थी। नड्डा साहब, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, एक मजबूत भारत को आपने मजबूर बना दिया है। जिंदा लोगों की तो कोई अहमियत नहीं है, मुर्दों को भी सम्मानजनक विदाई नहीं मिल रही है, क्योंकि ये मुर्दों की वोट नहीं है, आप मात्र वोट और नोट की राजनीति करते हैं। आपका टीका उत्सव भी फीका पड़ गया है, मोदी लहर कहर ढा रही है, और भारतवासियों के पास में मात्र दो ऑप्शन बचे हैं, या तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, या फिर अपने परिजनों की लाशें। नड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी उन लोगों की आवाज उठा रही है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, या फिर जो आज भी पीड़ित है। आप तो बड़े बड़े वादे करके आए थे ना, दो लाइनें मैं कह देता हूं। वो आया था अंधेरे खत्म करने के वादे के साथ, वो आया था अंधेरे खत्म करने के वादे के साथ, क्या पता था चिताओं से मुल्क रोशन करेगा। धन्यवाद।